अब उठाते हैं अपना पिटारा और खुशी खुशी कूदते फांदते चलते हैं घर, घर यानी नीचे, हम तो छत में है ना। ये देखिए तो दोस्तों, आज हमारी परचुलाका भी खिली हुई है, खूब सारी खिली हुई है। और देखिए हरियाली हमारे यहाँ कितना सुंदर ना, जिधर आप देखेंगे ना, जहाँ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ हरा हरा ही दिखेगा, इसीलिए हमें भी हरा हरा सूझता है। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों बार बार मैं कहती हूँ कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर, ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ढेर सारी सब्जियाँ अपने घर के आगे पीछे छत ऊपर नीचे जहाँ कहीं जगह मिले लगा डालिए। अभी अभी टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है बारिश का। बारिश के पानी में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो आइए चलते हैं, उगाते हैं ढेर सारी सब्जियां, करते हैं हार्वेस्टिंग और करते हैं गार्डन टूर। तो आइए चलते हैं दोस्तों। राम राम। आज हमने तोड़ी दो सब्जी अभी तक, भाजियां भी कुछ तोड़ी है, लेकिन ये लौकी और ये कद्दू। एक्चुअली हुआ क्या कि लौकी ऐसी जगह पे थी कि तोड़ते नहीं बन रही थी, तो इसको तोड़ रहे थे तो हाथ से ये फिसल गई और आ गई छत से नीचे। पर कोई बात नहीं, फूट भी गई है तो भी हम इसकी सब्जी बना लेंगे। दोस्तों राम राम, आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे चैनल में, हमारे गार्डन में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप खराब से खराब मिट्टी को उपजाऊ बनाएं, और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने कंटेनर को भरें, कम मिट्टी में आपका कंटेनर भी भर जाए, साथ में आपके कंटेनर में खाद भी बनता रहे और हमारी मिट्टी भी उपजाऊ रहे और हमारा कंटेनर भी हल्का रहे। मतलब आज मैं आपको ढेर सारी चीज़ें बताऊंगी आपके आपके गार्डन के लिए, जिसमें ढेर सारे फायदे होंगे आपको गार्डनिंग में। और साथ में मैं बताऊंगी कि 25 ऐसी सब्जियां जो आराम से अपने गार्डन में आप अभी अगस्त और सितंबर में उगा सकते हैं, और ठंड की शुरुआत के पहले ढेर सारी फ्रूटिंग ले सकते हैं, और ठंड के बाद भी ठंड में भी ढेर सारी फ्रूटिंग उसका लेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, बताते हैं सबसे पहले हम आपको कि हम किस सिस्टम से अपनी मिट्टी को तैयार करें कि हमें बाद में कुछ खाद डालने की जरूरत ही ना पड़े और हमारी खराब से खराब मिट्टी उपजाऊ बने। अरे कितना सारा मिट्टी डाला है इसमें, तो फिर रहन तो वहीं उतार लो करके। तो दोस्तों ये है हमारा कंटेनर जिसमें हमने उगाई थी लाल भाजी। अब इसकी मिट्टी को हमने 2-3 दिन तक धूप दिखवाई। एक बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हमारे पौधों में कीड़े मकोड़े क्यों लगते हैं आपको बता दें, क्योंकि हम अपनी मिट्टी में धूप नहीं लगवाते। जब हमारी मिट्टी में धूप लगती है ना, तो हमारी मिट्टी फिर से तैयार हो जाती है, कीड़े मकोड़े उसके मर जाते हैं या तो चिड़िया पंछी खा जाते हैं अगर हम उसको कोड़ कर छोड़ दें। तो दोस्तों इसको हमने उसी सिस्टम से भरा था कि नीचे हम खाद बनाते हैं, ऊपर से हम उगाते हैं पौधे। तो इसको हमने इसमें लाल भाजी लगाई थी, 3-4 दिन इसको कोड़ दिया हमने, मतलब 3-4 दिन पहले कोड़ दिया, इसके बाद इसमें हमने लगवाई धूप। दोस्तों बहुत तेज धूप थी, आज तो मौसम नहीं है धूप का, लेकिन उस टाइम पे बहुत तेज धूप थी। तो हमारी मिट्टी बहुत अच्छे से ये तैयार हो चुकी है, लेकिन मिट्टी चूंकि इससे हमने फ्रूटिंग ले लिया है, हम इसमें से उपज ले चुके हैं, इसलिए मिट्टी हमारी निस्तेज हो गई, इसमें वो उर्वरा शक्ति नहीं बची। तो हम इसको अब करेंगे फिर से तैयार बहुत अच्छे से, ताकि हमारी मिट्टी बन जाए उपजाऊ। तो दोस्तों बहुत कठिन प्रक्रिया है वीडियो बनाना भी और खास साथ में मिट्टी तैयार करना भी। तो देखिए हम इस मिट्टी को किस तरह से उर्वरा शक्ति से भरपूर बनाएंगे, आइए आप देखिए और हम करेंगे काम। पूरी मिट्टी को हम देखिए, दिखाई थोड़ा सा पत्ता, पत्ते की मतलब खाद जो बनी थी, ये देखिए दोस्तों ये हमने इसमें देखिए अच्छे से मसल के, ना कोई स्मेल कुछ भी नहीं। तो ये हमारी मिट्टी में हर बार कंटेनर में इसी तरह से हम बनाते हैं ढेर सारी खाद, अलग से हमें खाद बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, गार्बेज जो हमारे यहाँ से निकलता है उसकी खाद बनाते हैं, किचन वेस्ट की हम खाद बनाते हैं, बाकी हमारे यहाँ सूखे पत्ते की ढेर सारी बनती है खाद। दुनिया की सबसे अच्छी खाद, सबसे ज्यादा उपजाऊ
प्योर ऑर्गेनिक बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो अब इसको हम फिर किस तरह से भरेंगे कि ताकि हमको फिर दोबारा खाद भी मिले और साथ में हमारी मिट्टी भी उपजाऊ हो जाए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। पहले सबसे पहले हम ये पूरे कंटेनर को करेंगे खाली। अब ये हमारा दोस्तों, आप वेस्टेज चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी आप देख लीजिए। जैसे ये हमारी गाड़ी का है टायर, आप भी अपनी गाड़ी का, या मान लीजिए नहीं भी गाड़ी है तो ज़रूरी नहीं है मतलब कि अपनी ही गाड़ी का, कहीं से भी ये टायर बहुत आराम से मिल सकता है। तो देखिए कितना ज़्यादा स्पेस मिलता है। देखिए आप कई बार आप लोग पूछते हैं कैसे बनाते हैं, हमने इसके पहले एक डिज़ाइन बनाकर कट किया, कट करके टायर को पलटना रहता है, बहुत आसान है, थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन एक ट्रिक से पलट जाता है। इसके बाद ये ऐसा शेप ले लेता है देखिए इस तरह से। फिर हमने यहाँ थोड़े से तार बांध कर किसी भी तरह के होल करना है चारों तरफ, और तार बांध के हमने एक बना दिया, ये इसमें एक मतलब कि बेस बनाया, दिखाओ इसको। अब ये प्लास्टिक का एक हमें टुकड़ा कहीं मिल गया जो बहुत आसानी से मिल जाता है। मान लीजिए आपको प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं मिलेगा तो आप टूटी फूटी टाइल्स या टूटी फूटी लकड़ी के पटरे कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से बन गया हमारा एक खूबसूरत सा कंटेनर परमानेंट। कोई भी गमला इतना ज़्यादा नहीं चलता जितना ये चलेगा। ये हुआ। अब हम ये हमारे पास सूखे पत्ते, दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं बारिश चल रही है तो आपको एकदम से फ्रेश सूखे पत्ते नहीं मिलेंगे, ये आधा कंपोस्ट हो चुका है, कोई बात नहीं। इसको हम नीचे भरेंगे, थोड़े से इसमें सूखे गीले कचड़े और गीला भी हम भरेंगे, मतलब थोड़ा ज़्यादा भरते हैं ताकि हमारी खाद ज़्यादा बने। तो ये हमने भर दिए सूखे कचड़े, अब हम गार्बेज पत्ते, अब हम भरेंगे इसमें गीले पत्ते। पहले मिट्टी से थोड़ा सा इसको ढक देंगे, हालांकि मिट्टी नहीं राख है, आप राख लेकर आए हैं पर कोई बात नहीं, राख जो है फंगीसाइड का काम करता है। कोई बोल रहा था आप कौन सा फंगीसाइड इस्तेमाल करते हैं, हमारा नेचुरल तरीके से सारे फंगीसाइड होते हैं। तो अभी हम डालेंगे गीला कचड़ा, ये देखिए दोस्तों कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे से होगा, सब कंपोस्ट हो जाएगा और आपकी सब्जी भी बहुत अच्छे से तैयार होगी और आपका गार्डन भी साफ होगा। दोस्तों ये हमारा आज का ये कचड़ा जो है गार्डन से निकला है, हमने साफ सफाई करी तो उस वहां से निकला है। अब इसको हम ठीक से जमाएंगे, मतलब किस तरह से आप अपने कंटेनर को हल्का भी रख सकते हैं और मिट्टी को उपजाऊ भी बना सकते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब दोस्तों ये है राख जो गीली हो गई है, आपको समझ में नहीं आ रही होगी, और ये है राइस हस्क, और ये है हमारा कई तरह का कंपोस्ट यानी किचन वेस्ट, गोबर और जो गार्बेज, ये गार्बेज जो रहता है ना, हम एक टंकी में इसको बनाते हैं और सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके सुखा लेते हैं, उसके बड़े बड़े जो टुकड़े रहते हैं उसको फिर से कंपोस्ट होने के लिए डाल देते हैं, और ये फाइन वाला हम ले लेते हैं। दोस्तों बहुत ही शुद्ध, ये देखिए देखिए कितना बढ़िया, मतलब दुनिया की सबसे बेहतर खाद, और हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। राख जो है तो पौधे में कीड़े मकोड़े नहीं लगने देगा और पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। राइस हस्क जो है ये मिट्टी को हल्का करता है और ये हमारी उपजाऊ है ये सब कुछ। तो अभी इस मिट्टी में हम इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे, हालांकि हमारी मिट्टी बहुत अच्छी है लेकिन फिर से नए सिरे से तैयार करने के लिए हमें ये सब मिक्स करना होगा। तो दोस्तों नीम की मैं सूखी पत्ती भी मिलाती हूँ जो कि नीचे रखी हुई है, तो अभी हम नहीं जाएंगे, बाद में उसको मिला देंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों अभी बारिश चल रही है, कभी भी पानी गिर सकता है, इसलिए हम ज़मीन को गंदा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़मीन को फिर साफ करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इस कंटेनर में इसको मिक्स कर रहे हैं। एक टब है प्लास्टिक का, देखिए आपको मैं बता रही हूँ पत्तों की खाद जो हम बनाते हैं वो किस तरह से रहती है, ये देखिए किसी तरह की कोई स्मेल नहीं और बहुत ही अच्छी होती है। इसी तरीके से हम अपने सारे कंटेनर को भरते हैं और इसी तरह से हमारे जो पौधे हैं ये सब लहलहाते हैं। आप देखिए अदरक है, मतलब किसी भी तरह की बाहर की कोई खाद हमारे पौधों में नहीं डलती है। तो सबसे पहले मैं इसको ये वाला जाली वाला हटा दो ना, कंपोस्ट होने के लिए डाल देना। हाँ ये दोस्तों ये पुराने पौधे जो इसमें लगे थे उसकी जड़ें हैं, वो नीचे चला जाएगा तो कंपोस्ट हो जाएगा, बाकी हम ऊपर जो है अच्छी मिट्टी को रखेंगे। जो बड़े टुकड़े रहते हैं वो भी कंपोस्ट हो जाते हैं, सबको नीचे हम दबा देते हैं इस तरह से।
दोस्तों आपकी मिट्टी हल्की और भुरभुरी होनी चाहिए। पौधे भी सांस लेते हैं, पौधों को भी एयर की जरूरत होती है। अगर हमारी मिट्टी ठोस हो गई तो पौधों का खाद, पानी और एयर सब कुछ बंद हो जाएगा, उनकी जड़ों को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो फिर हमारे पौधे अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, धीरे धीरे मर जाएंगे। अगर जिंदा भी रहेंगे तो वो फ्रूटिंग नहीं करेंगे। तो मिट्टी हमारी बहुत हल्की और बेल ड्रेन होनी चाहिए, यानी पानी आप डालें तो पानी गमले में रुकना नहीं चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों ये भारी हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए पहले हम उसको जहाँ रखना चाहेंगे, मतलब जहाँ पर ये रहेगा परमानेंट, वहाँ उसको रखेंगे, फिर इस मिट्टी को उसमें डालेंगे जो हमने मिक्स तैयार किया है। अब हमने जो मिक्स तैयार किया है उससे अपने कंटेनर को भर देंगे अच्छे से। जो बच रहा है तो बचा लो ना, पूरा के ऊपर तक भरना, पानी फिर डालती नहीं, ये लेकिन कुछ नहीं करता, खाद ना चाहिए। अब इसको हम कर देंगे बराबर, ये पत्थर है एक का छोटा सा ये। हाँ, मिट्टी को अच्छा कर लीजिए आप, जो भी आपको दिखे, क्योंकि सब जमीन से आता है ना, ये हमारे घर में तो होता नहीं है। खाद होती है तो खाद में भी कभी कभी कूड़ा कचरा, कूड़े कचरा का तो खाद बनता है, तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें चली जाती हैं, तो उनको सबको बीन के साफ कर दीजिए, अपनी मिट्टी को एकदम अच्छा बना लीजिए, बहुत ज़्यादा फाइन करने के। तो ये हमारा कंटेनर बहुत अच्छे से अब हो गया है तैयार। अभी मैं इसमें क्या उगाऊंगी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों वैसे तो मुझे बताना है आपको अभी 25 सब्जियां, ऐसी सब्जियां जो बहुत आसानी से अपने गार्डन में, टेरिस गार्डन में, अपने छत में उगाकर आप पूरे साल उसकी फ्रूटिंग ले सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसमें क्या उगाऊंगी थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी मैं आपको बताऊंगी, हमारा ये है अपराजिता जो कि इधर उधर लटक रहा है। तो दोस्तों इसकी फलियों को हटाते रहिए, नहीं तो फूल कम हो जाते हैं। और इसको अब हम बांध देंगे इस बांस की लकड़ी के सहारे, एक अच्छा सा डिज़ाइन देके, यानी पिरामिड बनाकर, तो ये ऊपर जाकर खिलेगा, नहीं तो इधर उधर ये गिर रहा है। दोस्तों बहुत सारा काम रहता है गार्डन में, जो कई बार हम आपको बताते हैं और कई बार हम आपको नहीं बताते हैं, बहुत सारे काम नहीं बताते हैं। तो इसको हम अब धागे से सहारा देकर बांध देंगे ताकि ये ऊपर, और इसको कटाई छटाई कर देंगे, क्योंकि क्या करना है बहुत ज़्यादा। वैसे बेल वाली मतलब बेल वाला फूल है, लेकिन हम बेल नहीं बनाएंगे, हम किसी का भी यहाँ बेल नहीं बना रहे, क्योंकि हमारे पास बेल के लिए जगह ही नहीं है। तो दोस्तों जो हमने अभी एक कंटेनर तैयार किया उसमें हम उगाएंगे, क्या उगाएंगे बताइए, क्या है ये? धनिया। दोस्तों गार्डन जो है धनिया के बगैर अधूरा है, और अब टाइम आ गया है कि हम धनिया उगाएं। पिछली बार हमने धनिया उगाया और जिस दिन मैंने धनिया डाला उसी दिन लगातार बारिश हुई, वो भी 15 दिन। तो दोस्तों अब इतनी बारिश तो नहीं होगी, इसको हम लगाने से पहले क्या करेंगे कि इसको दो दो टुकड़े कर देंगे, धनिया को दो टुकड़े करना मतलब हल्के हाथों से दरदरा कर देंगे, दो टुकड़े यानी इस तरह से, यानी इसको पीसना नहीं है, बस दो टुकड़े करना है, दो टुकड़े यानी दो पौधे। तो ये उगने में आसानी होती है। लोग धनिया कई तरह से उगाते हैं, इसको सैगा भी उगाते हैं, इसको भिगा कर उगाते हैं, और इसको ऐसा सूखा भी उगा देते हैं, यानी नहीं भिगाते। तो मैं उनमें से हूँ जो नहीं भिगाते। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा 3-5 नहीं करती, बहुत सिंपल तरीके से अपनी सब्जियाँ उगाती हूँ और ढेर सारी अपनी फ्रूटिंग लेती हूँ, मतलब ज़्यादा तामझाम। दोस्तों मैं इसको ऐसे दो टुकड़े कर रही हूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा फैल रही है, ये देखिए इधर उधर भाग रही है, क्योंकि धनिया गोल गोल होती है। आराम से बस दो टुकड़े हो, मतलब कूट ना जाए, उसी में मसाला नहीं बनाना है, उगाना है, आप ताकत लगा रहे हैं उसमें। ये हमने इनको दो दो टुकड़े कर लिए, ये देखिए हो गए ना दो दो टुकड़े। अब इनको हम उठाएंगे, इसमें भर लो, इसमें तो दोस्तों ये हमारा जो बेड तैयार हुआ, गमला, कंटेनर, जो भी आप बोले, टायर तो ये हमारा तैयार हो गया बहुत अच्छे से। दोस्तों कोई भी लीफी वेजिटेबल के लिए खाद बहुत ज़रूरी है,
अगर आप खाद आपके पौधे में अच्छे से आपकी मिट्टी में अच्छे से नहीं रहेगी, आपकी मिट्टी अच्छी नहीं रहेगी, तो अच्छे से वो ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि लीफी वेजिटेबल के लिए पत्तों वाली जो भी सब्जियां हैं उसके लिए खाद बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अब हम इस तरह से इसको फैला देंगे। दोस्तों कुछ कीड़े मकोड़े जो है हमारे मित्र होते हैं, वो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, और ख़राब कीड़े मकोड़ों को साफ करते हैं। तो हमेशा आप चिंता मत करिए कि आपकी मिट्टी में कुछ कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कीड़े मकोड़े हमारे मित्र होते हैं, वो हमारे पौधों को ठीक करते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो इस तरह से हम करेंगे इसको स्प्रिंकल, धनिया को थोड़ा घना ही छींटेंगे। जब हम इसको बीजों के लिए उगाते हैं तो हम इतना घना नहीं उगाते, वो हमारे खेतों में उगाया जाता है। हमको तो यहाँ सब्जी के लिए चाहिए, मतलब धनिया पत्ती के लिए चाहिए, इसकी पत्तियाँ लेंगे हम, तो हम इसको थोड़ा घना ही उगाएंगे। और दोस्तों एक बात और है कि जब हम ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाते हैं तो 100% हमको सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हम घना उगाएंगे। उगते उगते हमारे पास आते आते तक उतना ही बचेगा जितना इसमें ज़रूरी है। तो ये हमने इसमें फैला दिया। अब आप चाहें तो इसको हाथ से चला दीजिए, या ये आप चाहें तो एक अंगुल से, मतलब एक अंगुल का आधा मोटा लेयर खाद की आप इसमें डाल दीजिए, तो उससे आपकी ये ज़्यादा अच्छी अच्छे से ग्रो करेगा। तो हम खाद का ही कर रहे हैं। देखिए ये हमारी खाद है, ये देखिए, और इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे, इसको मतलब धनिया को ढक देंगे। तो दोस्तों इसको हमने खाद से ढक दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अभी बारिश का टाइम है तो हमें पानी भी नहीं डालनी है। हाँ, अगर ज़्यादा बारिश हो तो किसी प्लास्टिक से आप ढक दीजिए, या तो हमारी तरफ तो सूखे पत्तों से ढक दिया, मतलब जो घास फूस होता है ना, धान वान का पैरा, उससे ढक दिया जाता है। यहाँ है तो आप प्लास्टिक से भी इसको ढक सकते हैं। तो इसको लगाते लगाते हल्की सी बूंदाबांदी हमें समझ में आने लगी, बट अभी हम नहीं ढकेंगे क्योंकि इसको भीगना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारी इसमें लगा दिया हमने धनिया। बहुत ज़्यादा बारिश होगा तब इसको हम अगर ढकेंगे, अगर ज़्यादा बारिश नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक हफ्ते बाद इसमें अंकुरण दिखेगा और 30-40 दिन में इसको हम हार्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों हार्वेस्ट करने के लिए कैसे हार्वेस्ट करेंगे हम बाद में बताएंगे, है ना, क्योंकि अभी उगने तो दी। तो दोस्तों अभी एक दो सब्जियां मैं और उगाऊंगी, आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमें लेट हो चुका है वीडियो बनाने में। जैसा कि आप जानते हैं या नहीं जानते तो आपको बता दूं कि मेरे घर में चल रहा है काम, मुझे बहुत सारा काम है, इसलिए मैं अभी ज़्यादा यहाँ कुछ कर नहीं पाऊंगी। पर करना तो है ना, साफ सफाई और ये सारी चीज़ें इनको करनी पड़ती है। देखिए हमारा खीरा फ्रूटिंग कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप उगाइए ढेर सारी सब्जियां, ये सही टाइम है, आप अभी भी बहुत सारी सब्जियां उगा सकते हैं। कौन कौन सी उगा सकते हैं मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपको बताऊंगी। मैं तो अपने अपने यहाँ से ही ढेर सारी सब्जियां खाती हूँ, कोई चीज़ हम नहीं खरीदते, सब कुछ हमारे घर का ही है। आप भी चाहें तो आप कर सकते हैं और इस तरह से आपको ढेर सारी सब्जियां मिलेंगी। कितना सुंदर लगता है, कितना खूबसूरत लगता है, आप देखें गार्डन, मन प्रसन्न हो जाता है। और ये ताज़ी ताज़ी सब्जियां, सच्ची कह रही हूँ, पर डे, मैं आपको अपना किचन रोज नहीं बता सकती, नहीं मैं आपको बताती कि पर डे हमारे किचन में हमारे घर की ही सब्जियां बनती हैं। आज हमने देखा आपने कि लौकी और कद्दू तोड़ा, तो हमने पूछा तो बोले कद्दू, ताज़ा ताज़ा कद्दू बहुत टेस्टी लगता है, तो हमने बनाया कद्दू आज और खेड़ा दाल के साथ। तो दोस्तों हम इतनी ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं और ईश्वर की कृपा है और हमारी मेहनत, हम स्वस्थ और तंदुरुस्त भी हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा खूबसूरत गार्डन, जहाँ ढेर सारी कहीं भाजियाँ आपको दिखेंगी। देखिए करमता, करमता के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, बस आप आपको उगाना बाकी है। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसानी से इसके बीज मिल जाते हैं, ना मिले तो मुझसे पूछिएगा, आसपास के लोग। दोस्तों मैं पार्सल नहीं कर सकती, पोस्ट नहीं कर सकती, मेरे को इतना टाइम नहीं रहता है। मैं बहुत मुश्किल से तो ये वीडियो बनाती हूँ, जो कि आप समझते नहीं हैं कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। दोस्तों ये सब हमने कटिंग कर दिया, बहुत ज़्यादा झुंझसा हो गया था, झाड़ी सा, इसमें फिर नए पत्ते आएंगे, सारी चीज़ें हम आपको नहीं दिखा पाते। इसमें हमारा बैंगन जो है ख़राब हो गया था गर्मी में, हमने दो पौधे दूसरे बैंगन के लगा दिए। तो कुछ ना कुछ हम दोस्तों करते ही रहते हैं। तो आइए चलते हैं नीचे, अगर तेज़ बारिश नहीं हुई तो मैं आपको बताऊँगी कि अभी हम दो सब्जियाँ क्या उगाएंगे।
अगर बात दो नहीं तीन तीन कंटेनर हमारे नीचे खाली हैं, उनमें हम तीन सब्जियां, बताना तो हमको आपको 25 सब्जियां हैं, लेकिन ये एक तो हमको टाइम नहीं मिल रहा है और दूसरे अभी ये मौसम जो है अनुकूल नहीं है, मतलब बारिश होने का हो रहा है। दोस्तों मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे डबल पेटल अपराजिता मिल गई है, मैं फूल ही नहीं समाती इसको देखती हूँ। एक ही खिला है, बड़ा कमजोर सा पौधा है, थोड़ी सी खाद इसमें डाल दीजिए तो दोस्तों, लेकिन हम इसको बना लेंगे, मतलब वही कंपोस्ट जो हम करते हैं, हम इसको तंदुरुस्त और हेल्दी बना लेंगे, लेकिन अभी तो ये कमजोर है। तो दोस्तों अब तो नीचे जा रहे हैं, ये मुरझा ही जाएगा, तो इसको हम तोड़ लेते हैं। देखिए हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता इसको देख के। और बाकी अडेनियम मैं क्या बताऊं दोस्तों, अडेनियम कितने महंगे हैं। कल मैं दुकान गई थी एक, मैंने उसको अडेनियम का पूछा, मेरे पास तो अडेनियम का भंडार है, उसने कहा 15,000, यानी थोड़ा सा बड़ा था, यानी मेरे पास जो है उतना बड़ा नहीं था। तो मैं बोली मैं तो लखपति हूँ, मतलब पौधों के मामले में मैं तो लखपति हूँ, खूब हंस रही थी घर में आके। तो इस तरह से दोस्तों हमने उगाया। अब चलिए नीचे थोड़े बहुत थोड़े से और कुछ उगाएंगे, अब यहाँ के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो, हमने बहुत मेहनत करी दो तीन दिन से, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना। दोस्तों हमारी हल्दियों को हमने बांधा है क्योंकि इतना ज़्यादा फैल रही थी कि दूसरे पौधे इससे प्रभावित हो रहे थे। हमने उधर लाल भिंडी लगाई है, उसको दबा रही थी, और वहाँ पर जो हल्दी है वो मिर्ची को हमारा पूरा सुखा दिया। तो थोड़ी मिर्ची की भी सेवा किए हैं, आपको दिखाती हूँ। देखिए थोड़ा कोड़ा काड़ी करके इनमें खाद वाद डाली हूँ, क्योंकि इसकी वजह से ये सारा दबा दिया था। तो देखिए इसमें नए पत्ते आ रहे हैं, इसलिए इनकी थोड़ी सी हमने करी है देखभाल। और दोस्तों ये है हमारा बोगनवेलिया, जिसको हमने कटिंग से उगाया है। देखिए कैसे नई कोपले इसमें आ गई, बड़ी खुशी होती दोस्तों। और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बोगनवेलिया, बाजू में मैं झाड़ू दबा कर रखी हूँ, क्या क्या हाथ में पकड़ी हूँ आपको क्या बताऊँ। पर चलिए ये देखिए, बाजू में ये हाथ में झाड़ू भी पकड़ी हुई हूँ, इसको यहाँ रख देती हूँ। मेरे को पकड़ा दिए झाड़ू, बोले लेते चलो भीग जाएगा। दोस्तों यहाँ हमारा बहुत सुंदर लगता था, लेकिन हमने दूसरे आंगन में अपने सारे अडेनियम को रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ धूप नहीं लग रही थी तो मेरे अडेनियम जो है ख़राब होने को हो रहे थे। पर कोई नहीं, हमने उनको व्यवस्थित रख दिया है। यहाँ पर हमने अभी जो हमारे ये कलम से तैयार हो रहे हैं बोगनवेलिया, इनको अपने अभी हमने जगह दी है, क्योंकि वो जहाँ पर थे वहाँ धक्का लग लग के बार बार ये डिस्टर्ब हो रहे थे। और बोगनवेलिया इतना विचित्र पौधा है कि अगर आपने इसको धक्का मार दिया, ये लग रहा है या उग रहा है या इसमें पत्तियाँ आ रही हैं, देखिए ऐसे छोटी छोटी, और आपने धक्का मार दिया तो ये मर जाएगा, यानी एक बार फिर से कोमा में चला जाएगा, शॉक में चला जाएगा। तो बहुत मुश्किल होता है, जैसे पत्तियाँ आ रही हैं, अगर आपने इसको धक्का मार दिया तो फिर ये चला जाएगा। तो इसलिए इनको मतलब बड़ा अजीब सा है, फूल खिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर आपने ज़रा से डिस्टर्ब किया तो ये फिर ऊपर चल देगा। तो इसलिए इसको बचाने के लिए ऐसे साइड में हमने रख दिया है। तो दोस्तों ये हमारा मतलब ये पहली वाली छत है, इसमें तीन कंटेनर हमारे जो हैं ये खाली हुए हैं। इनमें उसी प्रक्रिया से हम बनाते हैं, नीचे पत्ते वो हो रहे हैं कंपोस्ट, और ऊपर से हमने इसमें खाद, इसकी मिट्टी को फिर से, क्योंकि इसमें हम कई बार फ्रूटिंग ले चुके हैं। देखिए राइस हस्क आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम अपनी मिट्टी को तैयार करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, इसके बाद इनमें हम उगाते हैं। और दोस्तों एक बात और बहुत महत्वपूर्ण, बार बार वही चीज़ें आप एक ही कंटेनर में मत लगाइए। जैसे अगर आपने इसमें हमने लाल भाजी लगाई थी, अब इसमें हम लाल भाजी नहीं लगाएंगे, भले पालक लगा देंगे, धनिया लगा देंगे, इसमें भी हमने जो चीज़ लगाई थी वो चीज़ हम दोबारा नहीं लगाएंगे। दोस्तों इसको फर्स्ट तो मिट्टी में धूप अच्छी लगनी चाहिए, दूसरी आप फसल बदल बदल कर अपनी उसमें लगाइए, कंटेनर में, खेत में हो या कहीं भी हो, फसलों को बदला जाता है ताकि मिट्टी जो है, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े रहते हैं इसमें वो उस पौधे के अनुरूप हो जाते हैं, उसमें ढल जाते हैं, तो इसलिए आपका पौधा जो है अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसलिए हमें अपनी फसल को चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें राइस हस्क और कंपोस्ट मिलाकर जो हम घर में बनाते हैं, इस मिट्टी को हम करेंगे पहले कोड़ा काड़ी और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से खाद को इस मिट्टी में, ताकि हमारी मिट्टी हो जाए उपजाऊ। इसके बाद हम आपको बताते हैं इसमें हम क्या उगाएंगे।
तो जब तक हमारी मिट्टी हो रही है तैयार, कोड़ा काड़ी हो रहा है, तब तक हम आपको दिखाते हैं खूबसूरत परचुलाका को। देखिए कितने बढ़िया, थोड़ी सी इसको धूप लग, दोस्तों ये धूप वाला पौधा है, इसको खाद पानी धूप सब कुछ चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, इसकी इसकी मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए, मतलब इसकी मिट्टी भी वेल ड्रेन होनी चाहिए। देखिए तो ये आपको ढेर सारे फूल देगा और बहुत कलरफुल, यानी आपका मन खुश हो जाएगा। ये फूल थोड़े से कम हुए हैं दोस्तों, थोड़ा ये देखभाल चाह रहा है और मैं करूँगी, बारिश लगातार होने की वजह से हम इसकी देखभाल नहीं कर पाए थे जिस जो देखभाल इसको चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए कितने सुंदर खिले हुए हैं और पूरी सीढ़ियों में हमारे खिले हुए हैं। इधर हमने जो टोपियारी बनाई हुई है वो भी खिले हुए हैं। इनको देखकर मन खुश हो जाता है दोस्तों, थोड़े फूल कम हुए हैं, कारण वही है कि लगातार यहाँ बारिश हुई है। और दोस्तों मेरे पास लगभग सारे कलर हैं इसके, देखिए, और हम इसको लेके तो घूम ही रहे हैं। हाँ तो दोस्तों ये है भूसी जो हल्की कंपोस्ट भी हो गई है, ये आपके पौधे को पोषक तत्व भी देगी और मिट्टी को हल्का भी रखेगी। और आपको कोकोपीट या सब चीज़, हाँ दोस्तों मुझे याद आया, कल मुझे एक कॉल आया कि कोकोपीट को किस तरह से इस्तेमाल करूँ, कैसे मतलब पौधे में इस्तेमाल करूँ, तो मैंने कहा देखिए कोकोपीट के बारे में तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं कोकोपीट इस्तेमाल नहीं करती। फिर उन्होंने कहा आप क्या करते हैं, तो हमने कहा हम तो मतलब अपने घर के आसपास की चीज़ों से ही अपनी मिट्टी को तैयार करती हूँ। और ये जो भूसी के बारे में मैंने बताया कि आप राइस हस्कू को मिला सकते हैं, ये कंपोस्ट होने के बाद खाद का भी काम करता है और आपकी मिट्टी को हल्का भी रखता है। और कोकोपीट ऐसा है कि सड़ने के बाद उसमें फंगस लगने का ज़्यादा डर रहता है पौधों में, उसकी जड़ों में, तो इसलिए मैं कोकोपीट इस्तेमाल नहीं करती। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूँ, कोकोपीट में ऐसी कोई भी पोषक तत्व तो नहीं होता जो आपके पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो, जो उसके बगैर ना हो रहा हो। तो आपकी मर्जी, आप जो करें, लेकिन मैं इस तरह से अपनी मिट्टी को तैयार करती हूँ और इसी से ही मेरी बहुत अच्छी सब्जियाँ होती हैं, मुझे ढेर सारी फ्रूटिंग भी मिलती है। आप देखिए कितनी भिंडियाँ फली हुई हैं जिनको हम तोड़ नहीं पाए हैं, तोड़ेंगे मौका मिलते ही, ये देखिए। और ये सारे पौधे हमारे उसी तरह से तैयार हुए हैं, देखिए कोई चीज़ हम ऐसी नहीं मिलाते। आप हर बार देखते हैं कि आप मैं मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ। दोस्तों जो मैं आपको बता रही थी बोगनवेलिया के बारे में, ये देखिए कैसे एक पौधा मुरझा गया, थोड़ी सी उसको धक्का लग गया। तो दोस्तों इसको धक्का मंजूर नहीं है, तो इसके साथ धक्का मुक्की मत करिए, इसको एक जगह शांति से रहने दीजिए। जब तक इसकी मजबूत नहीं हो जाता, इसकी जड़ें मजबूत नहीं हो जाती, अच्छे से इसकी ग्रोथ नहीं हो जाती, तब तक इसको धक्का मुक्की मत करिए। ऐसी जगह पर रखिए जहाँ ये चुपचाप पड़ा रहे, जितना धक्का मुक्की करेंगे उतने ये शौक में चला जाता है दोस्तों, फिर बहुत मुश्किल होती है इसके लिए। इसको फिर मतलब समझिए कि एक चाहे कलम आप उगा लीजिए या तो फिर ये शौक से बाहर आ जाए, उतना ही ये टाइम लेगा। तो ये हमारा तैयार हो रहा है, तब तक हम आपको दिखाते हैं अपना खूबसूरत सा गार्डन या पौधे। दोस्तों अभी बोगनवेलिया में हम ग्रोथ ले रहे हैं, बोगनवेलिया को तैयार कर रहे हैं अच्छे फूलों के लिए। तो इनको हम बार बार कर रहे हैं प्रून, ताकि ये ढेर सारी इनमें ब्रांचेस निकले, और प्रून करने से इनका तना भी मजबूत होगा, जल्दी मोटा होगा और ये जल्दी मैच्योर होंगे और जल्दी बोनजाई बनेंगे। और वैसे भी हमको इसकी झाड़ी थोड़ी चाहिए, हम ये तो इसकी बेल होती है, तो हमें बेल नहीं बनानी, हमको इसको छोटा छोटा ही रखना है। देखिए कितना सुंदर, दोस्तों ये भी कोमा में चला गया था, ये नीचे गिर गया था ज़मीन में, तो ये कोमा में चला गया था और बहुत टाइम बाद ये बाहर आया। ये है हमारा एक जोरा येलो कलर का, ये भी दोस्तों खिलने के लिए तैयार है। इसको दोस्तों मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ, पहली बार ये खिलने वाला है। और दोस्तों एक जोरा को मैंने कलम से भी तैयार किया है, जो पता नहीं अभी कहाँ कहाँ पर है, मेरे बहुत पौधे इधर उधर हुए हैं, तो जब दिखेंगे तो मैं आपको बताऊँगी। देखिए कितना खूबसूरत लगता है दोस्तों, ये वैरायटी है 21 ज्वेल्स वैरायटी बोगनवेलिया की, जो बोनजाई के लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। ये फूल खिलकर झुकते नहीं हैं, ऐसे सीधे रहते हैं। देखिए देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और बाकी जो है ना, जब ये फूल अच्छे खिलते हैं ना, तो थोड़े झुक जाते हैं, लेकिन ये झुकते नहीं, ऐसे सीधे ऊपर ऐसे रहते हैं। देखिए तो ये जो है, और इसके फूल की खासियत है कि ये जल्दी झड़ते नहीं, कम से कम 2.5-3 महीने इनके फूल एक बार खिलने पर रहते हैं। तो इसकी ढेर सारी खासियत है, कभी मैं बताऊंगी, अभी मैं दूसरे काम कर रही हूँ। तो अब देखिए हमारा ये कंटेनर हो गया तैयार, अब इसमें हम क्या उगाएंगे हम आपको बताते हैं। अलग अलग चीज़ें 3 तरह की हम इसमें उगाएंगे।
जो हम अगस्त और सितंबर में उगा सकते हैं इसी में। तो दोस्तों पिछले साल इसमें हमने धनिया उगाई थी और बहुत धनिया खाया था, तो इसमें हम उगाएंगे धनिया। देखिए इसके बाद हमने भिंडी उगाया था गर्मियों में, आपने देखा खूब भिंडी खाए। अभी अभी उसको हटाया है, 4-6 दिन हुआ, और इसमें कंटेनर में हमने धूप लगवाया। अब हमारा ये कंटेनर हो गया तैयार, तो इसमें हम उगाएंगे धनिया। धनिया दोस्तों बहुत ज़रूरी है, तो मैं दो जगह उगा रही हूँ, बाहर जा रहे हैं धनिया, एक बीज यानी एक पौधा। तो दोस्तों ये ऊपर भी हमने धनिया उगाया है। हाँ हाँ आ रही हूँ मैं, बोल दो, आ रहे हैं, काम है मेरे को, मैं काम कर रही हूँ। ऐसे तो सारा देख लीजिए दोस्तों, मतलब कि मैं यहाँ हूँ और बैठे हैं कुछ लोग वहाँ, मतलब आधे घंटे घंटे से, तो ये स्थिति है मेरी। मैं मुश्किल से टाइम निकालती हूँ गार्डन के लिए भी, 10 चक्कर ऊपर चढ़ती हूँ तब जाकर कहीं वीडियो बनता है। मतलब ऊपर आऊँगी और लोग हल्ला करने लगेंगे नीचे से, ये आया वो आया फलाना ढिमका। तो दोस्तों इसमें खाद हमारी ऊपर छत पे रखी है, इसलिए इसको हम ऐसे चला देंगे, बाद में इसमें हम खाद तो डाल ही चुके हैं, लेकिन ऊपर से हम फिर बाद में और डाल देंगे। तो इसको हम इस तरह से, मकसद हमारा ये होना चाहिए कि हमारे दाने जो हैं, सीड्स जो हैं, हमारे मिट्टी में दब जाना, गिट्टी है ये देखिए ये, हाँ। तो इस तरह से हमारा मकसद होना चाहिए कि हमारे दाने जो है मिट्टी में दब जाएं, मिट्टी में दबेंगे, मॉइस्ट होंगे, मॉइस्ट होने के बाद अंकुरण होंगे, अंकुरित होकर पौधे बनेंगे, फिर हमको देंगे सब्जियाँ। तो दोस्तों 40 दिन में, लगभग 40 दिन में इसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों हार्वेस्ट के बारे में जो मैं बता रही थी, हमको इनको उखाड़ना नहीं है, इनकी पत्तियों को लेना है, जितनी पत्ती तोड़ेंगे उतना ज़्यादा ही ये घना होगा। तो दोस्तों इसकी भी मिट्टी बेलड्रेन होनी चाहिए, पानी इसको खूब चाहिए, लेकिन मिट्टी इसकी बेलड्रेन होनी चाहिए। जो हम लोग बीज के लिए उगाते हैं, जो हम धनिया के लिए उगाते हैं, वहाँ हम 3-4 पानी में अपनी धनिया को पका लेते हैं खेतों में, लेकिन यहाँ हमको हर दूसरे दिन पानी देना पड़ता है। अब इस कंटेनर में हम क्या उगाएंगे आइए बताते हैं। तो दोस्तों अभी हमने इसमें उगाया था लाल भाजी, तो अब हम लाल भाजी इसमें नहीं उगाएंगे, इसमें उगाएंगे हम पालक। तो दोस्तों हमारे पास ना बीजों का एक पिटारा है, एक टुकनी, उस टुकनी में, एक टुकनी तरह तरह के बीज मैं रखती हूँ। मुझे कभी ऐसा भागना नहीं पड़ता कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मार्केट जाएं, इस तरह से हम रखते हैं और जब मर्जी हो हम उगा देते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने बेड हमारा बन गया, अब इसमें हमने उगा दिया पालक। पालक को भी दोस्तों हम बेचने नहीं जाएंगे, हम खाने के लिए अपने उगाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि इसकी पत्तियों को हार्वेस्ट करना है। दोस्तों ये भी लगभग 30-40 दिन में हमें हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। इसकी पत्तियों को हम तोड़ रहेंगे, थोड़ी सी इसकी देखभाल करते रहेंगे और ये ग्रोथ इसकी होती रहेगी। दोस्तों हमारे घर में पालक बहुत लगता है, छोटा सा बच्चा है उसके लिए भी पालक की पूड़ी, पराठा और पालक के बहुत सारे चीज बनते हैं। तो दोस्तों हमने पालक लगाया, इसको चला दीजिए, हाँ थोड़ा सा और छीट दीजिए, चला दीजिए। तो दोस्तों बस इतना ही, बस ये हमने इसको दाने को स्प्रिंकल कर दिया। अब इसको हम हाथ से बराबर कर देंगे, मकसद ये कि हमारे दाने जो है मिट्टी में दब जाएं। दोस्तों देखिए पालक हमने लगाया हुआ है, इसके पत्तों को तोड़ लेते हैं तो एक पत्ते ही बचे हैं, क्योंकि बच्चे के लिए हमको लगता है, तो इसीलिए हमने पालक और लगा दिया। अब हम इसमें उगाएंगे दोस्तों लाल भाजी। बहुत ज़्यादा दाना निकाल लिया, चलो छीटो, देख के बाहर मत करना। इसमें हम उगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दाना डाल दो, अभी भी डाल दो, रुक जाओ, डाल दो उसी में, यही यहाँ सामने करके डालो, तो जो दाने गिरेंगे उसी में गिरेंगे। और हाथ से झाड़ दीजिए, गजब ही कर दिए आप, खेत के बराबर निकाल लिए दाना, देख लीजिए दोस्तों ऐसा होता है हमारे यहाँ। तो अब पहले इसी को चलाना ताकि आपके हाथ के दाने उसी में चले जाएं, नहीं तो पालक में हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं ना दोस्तों। इसको हमारी तरफ ना गांव में क्या करते हैं, बहुत छोटे दाने होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो इसको राख में पहले दाने को मिक्स करते हैं, फिर राख को स्प्रिंकल करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा दाने ना गिरें। अभी देखें ना ये कितना सारा दाना निकाल लिया इन्होंने, तो ये हम इसको ऐसे हाथ से चलाएंगे तो हमारा दाना जो है मिट्टी में दब जाएगा, और इसके बाद हम इसको भी इसी तरह से करके दबा देंगे मिट्टी में। लाल भाजी के बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो पालक है, लाल भाजी के बारे में बताना चाहती हूँ। लाल भाजी एवरग्रीन है, किसी भी मौसम में आप लाल भाजी को उगाइए, बहुत सुंदर होती है, सेहत के लिए तो अच्छी होती ही है, और दोस्तों फिर ऑर्गेनिक की बात ही क्या, उसका टेस्ट, उसका स्वाद, उसकी उसको सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, आप कभी ऑर्गेनिक खाकर देखना। दोस्तों ये कभी मत सोचो ऑर्गेनिक के लिए कि इसमें ज़्यादा पैसे लग रहे हैं या आपकी मेहनत लग रही है, ऑर्गेनिक चीज़ें महंगी भी मिलती हैं, ठीक है, लेकिन आप खर्च करिए, किसके ऊपर करेंगे, खुद के ऊपर
ऊपर ना, तो करिए ना, आप औरों के ऊपर भी करिए, अगर सक्षम है तो सबके लिए करिए और अपने ऊपर भी खर्च करिए। दोस्तों अपने ऊपर खर्च करने में, चाहे आप कपड़े लीजिए, चाहे अच्छा खाना लीजिए, चाहे ऑर्गेनिक चीज़ें लीजिए, या खुद पौधे खरीदिए या पौधों की ग्रोथ देखिए, एक अलग ही खुशी मिलती है। तो दोस्तों खुद के ऊपर भी खर्च करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने उगाया 4 कंटेनर में सब्जियाँ, ढेर सारा किया काम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें और उगाएं ढेर सारी आप भी सब्जियां। देखिए हमारी तुलसी, दोस्तों बहुत सारे पौधे हमने नीचे रख दिए हैं क्योंकि हमको बोगनवेलिया ऊपर रखना था। तुलसी को देखिए दोस्तों, तुलसी मैया की भी देखभाल ये है कि इनको प्रून करते रहिए, बहुत सुंदर होगा। नीचे से इनके तने को साफ रखिए और इनको प्रून करते रहिए, तो बहुत अच्छी पत्तियाँ निकलेंगी। और रोज़ तुलसी की पत्तियों का सेवन करिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो माइक्रोवेव में आलू रख दो, कनेक्शन करवा लो इनसे। तो दोस्तों बहुत सारे पौधे हमने अपने इधर रख दिए हैं, अडेनियम वगैरह, क्योंकि हमारे उधर जगह नहीं बची थी दोस्तों, तो इधर हमने रखा है। देखिए देखिए क्या करें, पूरे आंगन ही हमारे भरते जा रहे हैं और बेचारे को इसको कुंटा में जगह दिए हैं, क्या करें, हमारे पास जगह ही नहीं बची। अब मैं एक और छत डलवाने वाली हूँ, आप कल आपको बताऊँगी कहाँ पर, फिर वहाँ पर भी मेरे कुछ पौधे आ जाएंगे। देखिए ये सब अडेनियम है दोस्तों, और ढेर सारे अडेनियम हमारे पास तैयार भी हो रहे हैं, ऊपर ढेर सारे तैयार हो रहे हैं। और दोस्तों देखिए ये स्टार फ्रूट में हमारे फल आ गया, स्टार फ्रूट और सहतूत और चीकू, तीन पौधों को हमने ऊपर रखा। हाँ भैया राम राम बोल दो, इधर देखिए राम राम, राम राम बोलिए, राम राम बोलिए भैया। तो दोस्तों इधर भी हमारी ढेर सारी कलम तैयार हो रही है, जैसे हिबिस्कस कई कलर के हैं, जब खेलेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। और ये हमको कहीं सूखा सा मिला था, इसको हमने लगा दिया था बोगनवेलिया, तो वो इसमें भी पत्ते आ गए, लेकिन पत्ते आ गए मतलब ये नहीं, जरूरी नहीं है कि अभी लग जाएगा, इसलिए इसको छेड़ेंगे नहीं अभी। इनमें जैसे पत्ते आते हैं सूखते हैं, पत्ते आते हैं सूखते हैं, तो इस तरह से इनका रहता है। बाकी ये फ्रूट वाले पौधे हैं दोस्तों, मेरे पास एक्चुअली जगह नहीं है, शौक बड़ा है लेकिन जगह नहीं है। दोस्तों ज़मीन बहुत है हमारे यहाँ, हमारे पास, लेकिन यहाँ नहीं है, जिसके कारण हमें बहुत दिक्कत हो रही है। हमें कम से कम 1 एकड़ ज़मीन चाहिए और जहाँ मैं इन पौधों को रख सकूँ। कोई दान दाता होगा तो बताना, हाँ 1 एकड़ दान कर दे मुझे ज़मीन। तो मेरे पौधे जो है वहाँ सुरक्षित हो जाएंगे। दोस्तों देखिए कितने सारे जो है इसमें कलम तैयार हो रहे हैं, बहुत शोर हो रहा हमारे यहाँ क्योंकि काम चल रहा है दोस्तों, तो हर जगह चाचा है पापा ये हमारा है। अब ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। ये देखिए हमारे फूल खिले हुए हैं दोस्तों, इनको मैं हिबिस्कस को नीचे कर दी हूँ, ये पूजा पाठ के लिए इनके फूल चाहिए होते हैं, इसकी प्रूनिंग करी हूँ ताकि अच्छे से और ये घना हो जाए और ये ढेर सारे फूल हमें दे। और कहीं पर एक जोरा हमने रखा है, कहाँ रखा, ये देखिए ये एक जोरा की ढेर सारी कलम हमने उगाई है, यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा, जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये हिबिस्कस ज़्यादा अभी नहीं खिल रहे हैं, ये देसी वाला तो एकदम फूलों का गुलदस्ता बन जाता है। और बाकी मैं कलम से बहुत सारे देसी ही तैयार कर रही हूँ, देसी ज़्यादा मतलब फूल। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। आप हमें सराहते हैं, आप हमें देखते हैं और आप जब कहते हैं कि हम सीख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको इतने खूबसूरत खूबसूरत पौधे और ढेर सारी वेजिटेबल उगाने का सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।